हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एनवाईए में। दोस्तों, मैं यहां पर आया हूं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सी क्लास लेके, जिसमें मैं आपको कराऊंगा क्लास 12th यूपी बोर्ड 2024 के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 वॉल्यूम 1 हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको आवेश के बारे में बता दिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होता है ना। यहां पर मैंने आपको बताया था कि इस यूनिट के अंदर हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे, एक ऐसे आवेश के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसे आवेश से रिलेटेड क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे जो एक ही स्थान पर स्थिर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलें, इसलिए इसका नाम स्थिर आवेश भी रखा गया है। दोस्तों, से आगे की क्लासेस के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। देखें जरा, अगर यहां से आगे की मैं बात करता हूं, देखें जरा अगला पॉइंट आ जाता है। मैंने लास्ट टाइम आपको चार्ज का एक फॉर्मूला बताया था कि क्यू इक्वल टू एन इन टू ई, यानी कहने का मतलब यह है कि जिस भी पार्टिकल के चार्ज चाहिए उस पार्टिकल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके हैं ये आपके पास होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखें जरा, तो आज की क्लास में लेक्चर नंबर 3 आपकी क्लास है ये। तो यहां पर मैं दोस्तों बताऊंगा आपको नेक्स्ट बातें। देखें जरा, अब एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है आवेश का मात्रक। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, तो देखना जरा। अगर मैं यूनिट ऑफ चार्ज की बात करता हूं तो देखो सीधा सीधा से एक बात यहां से ध्यान रखेंगे भाई, जिसका भी यूनिट हमको निकालना होगा उस क्वांटिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या है, क्यू क्या बेटे दोस्तों, एन इंटू ई, है ना। अब देखिए, अगर मैं बात करूं एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है, ये तो नंबर डिजिट्स है। और ई क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी भी कोई खास यूनिट नहीं है। तो इसका एक अलग फॉर्मूला और यूज कर लेते हैं। देखो क्यू इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा होगा आई टी, है ना, धारा के अंदर पढ़ा होगा कक्षा 10 में आप लोगों ने। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, फिर दोबारा सुन ले। हाँ, इसको ठीक, देखो इसमें क्या करेंगे आप, Q इक्वल टू आई टी कर देंगे, ये फॉर्मूला होता है Q का, आगे बढ़ेंगे हम। तो देखना जरा, अगर मैं बोलूं Q इक्वल टू आई को क्या लिखेंगे, बोलो एम्पियर, ठीक है, इनटू, और T क्या होता है बोलो, सेकंड हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। और याद रखना ये एम्पियर इनटू सेकंड ही क्या बन जाता है आपका, कूलम बन जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, तो क्या हो जाती है आवेश की यूनिट, आज के बाद आप लोग याद रखेंगे कूलम यूनिट होती है, इस कूलम को आप याद रखेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो एक यूनिट और हो जाती है, अगर मैं बात करूं ईएसयू, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब ये क्या होता है, देखो याद रखना कि कूलाम का ही दूसरा रूप है, और याद रखना वन कूलाम इक्वल टू कितना होता है, किसको याद रखेंगे आप, 3×10⁻¹ ESU, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आपको याद रखनी है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ ठीक, इसको रख देंगे, ठीक, कोई बात नहीं, इसको रख। ठीक है, तो कितना हो जाता है, वन कूलाम इक्वल टू 3×10⁻¹ ESU, ये बात आप याद रखेंगे। एक छोटी छोटी बात है और नोट करेंगे आप कि एक माइक्रो कूलाम किसके इक्वल होता है, 10⁻¹ कूलाम के इक्वल होता है, इतनी बात याद रहेगी। अगर मैं बात करूं 1 मेगा कूलाम कितना बराबर होता है, तो यही 10⁻⁶ में हो जाते हैं, इतनी बात क्लियर आ गई। अगर मैं बात करूं 1 नैनो कूलाम, इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं 1 नैनो कूलाम, तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों 1 पीको कूलाम, तो याद रखना पी को हटाने के लिए 10⁻¹² से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और यही आपके क्या बनेंगे, की पॉइंट बनेंगे, है ना। जितने भी की पॉइंट है सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर आपके लगेंगे। ठीक, चलिए इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा कुछ और बातें पढ़ते हैं आवेश से रिलेटेड। अब देखें जरा, यहां से आगे की अगर मैं बात करूं, देखो जरा यहां से हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि पदार्थों का वर्गीकरण। अब यहां से आपको कुछ बातें बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या, देखना जरा, देखो भाई
पदार्थों के वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखना जरा, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करता हूं तो सबसे पहले कौन सा आ जाता है? चालक पदार्थ, जिनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। और इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे क्या, इसको आपको पूरा पूरा नहीं लिखना, बस एक शॉर्ट नोट में आपको याद रखना है, ठीक है? जिनको पता है अच्छी बात है। चालक पदार्थ क्या होते हैं याद रखना, जिनमें धारा क्या हो जाती है? सुगमता से प्रवाहित हो जाती है। इसके नोट्स भी आप बनाएंगे भैया, सुगमता से प्रवाहित तो हो जाती है ना। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो कॉपर आ जाता है इसके अंदर, इसका एग्जांपल बन जाएगा। इतनी बात क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, अचालक यानी कि इंसुलेटर। क्या होते हैं इंसुलेटर बताना जरा, इनके उल्टे हो जाते हैं, जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती, वही क्या कहलाते हैं आपके? अचालक कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं लकड़ी, लड़की मत लिख देना भैया, ठीक है? लकड़ी, रबड़, आपका आ गया कागज, है ना, आदि। क्लियर बात समझ में आ गई? इसके बाद आ जाता है नंबर थर्ड और लास्ट में आता है नंबर फोर। देखें जरा, ये दो पार्टीशन तो हमने पढ़े हैं, ठीक है? इसके बाद एक पार्टीशन और आ जाता है, अगर इसकी मैं बात करूं अर्धचालक, जिनको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। मैं जानता हूं काफी बच्चे में ये जानकारी सभी के पास होगी, लेकिन आप सभी के पास पहुंचाना मेरा काम है, ठीक है? आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं बातें ऐसी आएंगी जरूर बेटा जो आपको समझनी होंगी। देखो अर्धचालक की अगर मैं बात करूं, अब अर्धचालक क्या होते हैं याद रखना, जिनकी चालकता चालकों से कम अपितु अचालकों से अधिक होती है। क्लियर है जी बात? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, क्लियर है? चलो जैसे कि अगर मैं बात करूं, एग्जांपल बन जाएगा सिलिकॉन और कार्बन इत्यादि, समझ में आ गई बात? ये आपका अर्धचालक हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं। देखो उसके बाद आ जाता है परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है? अब परावैद्युत पदार्थ क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं, देखना जरा, अगर मैं बात करूं यहां से परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, देखो याद रखना, वे अचालक पदार्थ जिनमें धारा विद्युत चालन के बिना ही प्रवाहित होने लगती है। ये सारे के सारे पार्टिकल क्या कहलाते हैं आपके? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कांच, ठीक है, मोम और आपका रबड़, ये सभी क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल होते हैं। ये चार तरीके के पार्टीशन इनको है, आप याद रखेंगे, ठीक है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं और परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, ठीक है? चले जी इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये छोटा सा पॉइंट एक पॉइंट था जिसको आपको पता होना बहुत जरूरी है। आप देखें जरा आज के टॉपिक भी है आपका, है ना, और क्या टॉपिक है देखेंगे जरा, बड़ा मजेदार टॉपिक है, पढ़ने में भी एकदम आपको मजा आएगा, ठीक बेटा जी? देखें, और एग्जाम में पूछा जाता सबसे बड़ी बात यह है, और टॉपिक का नाम है गुलाम का नियम, कुलाम्स लॉ।
देखिए जल्दी से जरा बिना देरी के चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। गुलाम का नियम क्या कहता है सुनिए ध्यान से। गुलाम का नियम ये बात कहता है क्या कि किसी भी अगर कोई भी दो पॉइंट एक दूसरे के समीपस्थ रखे हुए हो है ना तो उनके बीच में क्या लगेगा आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों तरीके का बल हो सकता है एक बल जरूर लगता है ना। तो देखें जरा अगर मैं बात करूं यहां से मान ली एक पार्टिकल तो ये है जिसको हमने क्या कहते हैं Q1 ठीक है और इससे r डिस्टेंस पे क्या है एक पॉइंट और हो जाता है Q2 इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r। क्लियर आई बात समझ बेटा जी। अब देखना जरा अब मैंने आपको क्या बताया कि दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स यहां पर काम करेगा समझ में आ रही है। अब ये फोर्स क्या हो सकता है इन दोनों दोनों को पास पास भी ला सकता है यानी आकर्षण का काम भी कर सकता है ना और इन दोनों को दूर दूर ले जाने का काम भी कर सकता है यानी प्रतिकर्षण भी कर सकता है। तो देखेंगे यार अगर मैं बात करूं गुलाम के नियम तो याद रखना क्या बताया गया इस नियम के अनुसार समीप स्थित किन्हीं भी दो आवेशों के बीच एक विद्युत बल कार्य करता है जो आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है। समझ में आ रही हम एक बल काम करेगा इतना तो समझ में आ गया। ये याद रखना ये दो आवेशों के बीच में ही लगेगा अकेले आवेश पर नहीं लगेगा ठीक है। तो दो आवेशों के बीच में बल लगेगा जो आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है समझ में आ गया यानी इनको पास भी ला सकता है और इनको दूर भी कर सकता है। क्लियर बात समझ में आ गई। अब देखिए जरा आगे अगर मैं बात करूं क्या बताया गया जिसका परिमाण अब आगे और बात और बताई गई जिसका परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया बात यानी F जो काम करेगा ना बेटा जी वो किसके होगा Q1 और Q2 के तो समानुपाती होगा है ना और जो बीच की दूरी है उसके क्या होगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब यहां से अगर मैं बात करूं क्या देखना जरा प्रोपोर्शन हटा के आप इक्वल लगाएंगे तो यहां पर आपको कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा और वो कॉन्स्टेंट क्या होता है 1/4πε0 Q1 और Q2 / r2। ये बात समझ में आ गई आपको या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं क्या F इक्वल टू ये 1/4πε0 जो है ना इसको आप क्या लिख सकते हैं के भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं के Q1 Q2 r2। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको ठीक है जी। ये स्मॉल के मैंने यहां पर बनाया है। अब यहां से एक बात याद रखना क्या देखो जरा एक बात यहां से आप ध्यान रखेंगे कि जहां 1/4πε0 एक समानुपाती नियतांक है ठीक है और याद रखना 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9×10^9 ये इसकी वैल्यू होती है। बात समझ में आ गई। अब यहां क्लियर हो गया आपको समझ में आ गई बात कि ε0 अब देखो याद रखना क्या यहां से एक बात और नोट करके आप याद रखेंगे अतः ε0 एक नियतांक है जिसे माध्यम की अच्छा एक बात याद रखना क्या देखो यहां इसको ऐसे लिखेंगे ε0 जिसे इसमें से लिखो जिसे
निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। बोलो जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बात समझ में, तो यहां से कूलम्ब का नियम क्या कहता है कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में एक बल कार्य करेगा जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, F इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 इक्वल टू R स्क्वायर के बराबर होगी। Q1 इक्वल टू क्या है? दोनों आवेश और आर क्या है? बीच की दूरी। बात करते हैं 1/4 pi epsilon naught की न्यूमेरिकल के अंदर आप वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा जी? 9 × 10^9 करेंगे, और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट इसको आप के भी लिख सकते हैं। जो एप्सिलॉन नॉट यूज किया गया, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? इस एप्सिलॉन नॉट को ये कॉन्स्टेंट होता है, और याद रखना निर्वातीय वायु की वैद्युतशीलता इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वातीय वायु की वैद्युतशीलता हम कहते हैं। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर है आपको? चलो इससे आगे की बात अगर मैं करूं यहां पर तो क्या बन जाता है देखना जरा। अगर मैं यहां से आगे की बात करूं तो क्या बन जाएगा? यहां से आगे देखना जरा, इतना समझ में आ गया? चलो अब यहां से एक बात नोट करके लिखेंगे आप। क्या देखो, ये दोनों आवेश कहां थे? निर्वात में थे या वायु में थे? यदि उपरोक्त आवेशों को किसी माध्यम में रख दें तो देखना जरा, अगर इनको किसी माध्यम के अंदर रख दें तो बल कितना लगेगा? F इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught × अब देखो जरा यहां पर एक बात याद रखना, ये स्मॉल k था। अब यहां पर क्या होगा? ये जो माध्यम आप रख रहे हैं, इस माध्यम की तो वैल्यू आएगी, और माध्यम की वैल्यू होती है कैपिटल के। क्या होती है? कैपिटल के। मेरी बात ध्यान से समझेंगे आप, ये के अलग है और ये वाला के अलग है भैया, याद रखना। तो यहां से इसको याद रखना, F इक्वल टू क्या आ जाएगा? याद रखो 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon R² जहां के क्या है? परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। आगे बात समझ में क्या नहीं आ गई? के क्या होगा यहां पर? परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, है ना? समझ में आ गई बात? और ये जो एप्सिलॉन यूज किया गया, ये क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता। बोलो जरा, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर बात समझ में आ गई? तो यहां से एक बात नोट निकल के आती है, क्या? नाउ अब एक बात आप कह सकते हैं क्या? देखो जरा, एप्सिलॉन नॉट इनटू के की जगह क्या आ गया? एप्सिलॉन आ गया, तो एप्सिलॉन बराबर कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट इनटू के होता है। ये क्या आ गया? एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध, इसको आप की पॉइंट लिखेंगे। बताओ जी, आया समझ में कि नहीं आया? इतनी बात क्लियर बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताया जरा, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक की बात में? पक्का समझ में आ गई होगी बात? चलो इसके बाद एक पॉइंट यहां पर और बनता है, क्या? देखिए जरा, इसको समझ में आने के बाद एक पॉइंट मैं और बताता हूं आपको। यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है जो बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक? चलिए देखिए जरा, अब यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका, उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखना जरा। देखो भैया, यहां से क्वेश्चन और बनता है आपका, एप्सिलॉन नॉट का मान व मात्रक। देखो, वी नो दैट, हमको पता है 1/4 pi epsilon naught 9 × 10^9 होता है। हमको क्या चाहिए? एप्सिलॉन नॉट चाहिए। तो देखो जरा, 1/4 pi, ये 9 × 10^9 नीचे आ जाएगा, पाई की वैल्यू क्या बनेगी? बोलो 3.14 × नीचे कितना है? 9 × 10^9 चलो जी, एप्सिलॉन नॉट बराबर। ऊपर क्या बच गया अगर मैं बात करूं यहां पर? देखो, 9 × 36 × 3.14 10^9 को ऊपर ले गए तो 10^9 कैसी हो गई? -9 हो गई। क्लियर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखो, जब इसको आप डिवाइड करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, इसको आप पूरा सोल्व भी कर सकते हैं, बाकी इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी आपको याद रखनी है। क्या होती है? 8.85 × 10^-12 ये क्या होती है? इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये किसकी वैल्यू होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है।
आगे बात समझ में। अब अगर मैं बात करूं मात्रक की, तो मात्रक कैसे आएगा देखना जरा, मैं ऊपर बात करूं। देखो बेटा जी, एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/4 πε0 q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को उधर ले आओ, क्या बनेगा, 1/4 πf q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखना जरा, q1 q2 को 4π का कॉन्स्टेंट है, इसको उधर निकाल दो। q1 q2 को क्या लिखेंगे बोलो जी आप, it को नीचे लिखना है, f इंटू आर स्क्वायर। तो यानी क्या बनेगा लिखना जरा, ये बन गया आपका it का स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया, f इंटू आर स्क्वायर। देखना जरा इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां से क्या बनेगा भाई, i का मतलब क्या होता है बोलो, एम्पियर इंटू टी का मतलब क्या होता है बोलो, सेकेंड, और दोनों की पावर 2 है। नीचे बोलो कितना हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर, नीचे कितना, एफ इंटू आर स्क्वायर। चलो जी, अब अगर मैं बात करता हूं तो देखना, एम्पियर का तो ए आ गया, सेकेंड का टी आ गया, नीचे आ जाता है क्या एफ, एफ कितना होता है बोलो, डायरेक्ट याद रखेंगे आप एम एल टी माइनस 2, केवल स्टार्टिंग के 4 के डायरेक्ट याद रखने मैंने बताया था आपको। और टी की पावर कितनी, यहां से कितना हो जाता है, डिस्टेंस हो जाती है, डिस्टेंस कितनी आ जाती है बोलो, एल की पावर 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई, आ रहा है कि नहीं बात समझ में, क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। एफ का डायरेक्ट आप याद रखेंगे एम एल टी माइनस 2, और वर्क का कितना होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। सबको ऊपर उठा कर जाते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट कितना बन जाता है, एम ऊपर गया माइनस 1, एल 2 × 3 हो गया, ऊपर जाके माइनस के 3 हो गया, टी बोलो 2 है माइनस का, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और 2 × 2 = 4, और एक ही पावर कितना है 2, और यही क्या बन जाता है आपका एप्सिलॉन नॉट का आंसर। इतनी बात समझ में आ गई होगी तो कमेंट जरूर कर देना, आपको क्लास कैसे लगी इसके बारे में जरूर लिखेंगे। कोशिश कर रहा हूं कि छोटे से कम वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें दे पाऊं। तो दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बाकी चीजें आप पढ़ सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी आप किसी बच्चे का कोई डाउट होगा तो आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, आते ही नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, बन रही है हमारे साथ, जय हिंद।